छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनावी साल में बीजेपी भूपेश सरकार पर हमलावर है और प्रदेश में कई घोटाले होने का बीजेपी दावा कर रही है। अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार पर चावल घोटाले करने का आरोप मढ़ दिया है, जिसे लेकर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को खत लिखा है। खत में केंद्रीय मंत्री से घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। चावल घोटाले का दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए चावल भेजते रहे और छत्तीसगढ़ के लुटेरे दाऊ भूपेश बघेल ने गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर 5,000 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में मैं उसका जवाब दे चुका हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोल दिया है, जहां जहां कमी पाई जा रही है उन दुकानों पर भरपाई भी की जा रही है। यहां विधानसभा में उसका जवाब दे चुका है, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है और जो जो जहाँ जहाँ कमी पा रही है उन दुकानों से उसकी भरपाई की जा रही है और बहुत कम चावल बच गए हैं, वो आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा सारे जहाँ जहाँ जिन जिन दुकानों में कमी पाई गई थी उसको सारे कलेक्टर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और थोड़े बहुत बचे हैं उसमें भी कार्रवाई हो रही है। अभी तक के लगभग 3200 करोड़ रुपया का फायदा जो घरेलू उपभोक्ता है उसको हो चुका है। तो बड़ी योजना है जिसमें 400 यूनिट बिजली बिल आधा हम दे रहे हैं और उसको चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र सब जगह लागू है, तो घरेलू उपभोक्ताओं की बड़ी सुविधाएं मिलती है। ये पहली बार नहीं है जब रमन सिंह ने चावल घोटाले का आरोप लगाया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर पीडीएस घोटाले का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ पर अब तक का सबसे बड़ा पीडीएस घोटाला कहा था। कांग्रेस की सरकार ने गरीब के निवाले से चावल छीनने और गरीबों के चावल में डाका डालने का काम किया है। विधानसभा में इसे लेकर जब आंकड़े पेश किए गए तो खाद्य विभाग के डेटाबेस से 1,65,000 मीट्रिक टन चावल और जिले के डेटाबेस में 96,000 मीट्रिक टन चावल अंकित है। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि 68,000 मीट्रिक टन चावल का ये अंतर कहां से आया है, 600 करोड़ रुपए का चावल कहां गया। बहरहाल अब प्रदेश में चावल घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।